सर बुलडोजर चल रहा है, 5 बुलडोजर इकट्ठे एक साथ एक इमारत पर चल रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही, किसकी इमारत है ये? ये एक्चुअली तालाब की जमीन थी, शिकायत पे जांच की गई और तालाब की जमीन पाई गई, चूंकि अस्थाई कब्जा था इसलिए इसको तहसीलदार कोर्ट में 67 का मुकदमा दर्ज किया गया, वहाँ से बेदखली हुई, बेदखली के बाद जो है अपील में गए डीएम साहब के, वहाँ डीएम साहब की कोर्ट से भी इनकी अपील खारिज कर दी गई, खारिज होने के बाद फिर जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। सर पता लगा न्यायालय भी गए थे, उच्च न्यायालय भी गए थे ये लोग, क्या कुछ पैरवी रही, कैसे माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ और नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि इनको सुनवाई करके उसके बाद इनके नियमानुसार कार्यवाही किया जाए। तो अपील में ये गए, अपील में इनको सुना गया, सुनने के बाद उसका निस्तारण किया गया, फिर इनको नोटिस दिया गया हटाने का, फिर भी नहीं हटाए तो ये कार्यवाही हमारे द्वारा की जा रही है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश। कितने अनुमानित क्या इसकी कीमत रही होगी जो गिरवाया जा रहा है ये सब? लगभग 2.5 करोड़ जमीन के साथ। सर ये कौन है इसका मालिक, रिसोर्ट का? अब मालिक जो है यहाँ के मतलब नईम फरजाना बेगम के नाम से ये जमीन मतलब ये बना हुआ था। उनके पति यहाँ वर्तमान में चेयरमैन बताए जा रहे हैं। अब ये अलग बात है लेकिन ये फरजाना बेगम के नाम से है।